अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच से पहले करोड़ों हिंदुस्तानियों को 440 वोल्ट का झटका उस वक्त लगा जब रविंद्र जडेजा गंभीर चोट के चलते टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गए। इस खबर ने तो पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल बना दिया था, लेकिन अब जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर धोनी का एक ऐसा सितारा टीम इंडिया में एंट्री करने वाला है जैसे भारत का दूसरा युवराज सिंह भी कहा जाता है। तो आखिर कौन सी खौफनाक इंजरी हुई रविंद्र जडेजा को, आखिर कौन सा खिलाड़ी है उनका रिप्लेसमेंट जो रविंद्र जडेजा से भी बेहतर ऑलराउंडर बनने के काबिल है, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, अश्विन और हार्दिक में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीतने के लिए 231 रनों का टारगेट दिया, उसके जवाब में टीम इंडिया 202 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में टीम इंडिया के गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस बड़े झटके से तो कोई अब तक उबर नहीं पाया था। तो वहीं अब एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए हैं। वो बेन स्टॉक्स के सीधे थ्रो पर आउट हो गए। वो मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे हैं। तेजी से एक रन लेने की कोशिश के बाद जडेजा पैर में मांसपेशियों को हाथ से सहलाते दिखे, वो सहज नहीं लग रहे थे। उनका आउट होना भारत के लिए इतना बुरा इसीलिए भी है क्योंकि पहली पारी में 87 रन बनाकर भारत के शीर्ष स्कोरर रहे। जडेजा ने दोनों पारियों में 5 विकेट झटके। जडेजा का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय टीम पहली सीरीज पर 0-1 से पीछे हो गई है। वो किस दर्ज के खिलाड़ी हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। रविंद्र जडेजा ने अपने दम पर भारतीय टीम को कोई मैच जिताए हैं जब वो अपनी लय में हैं, तो मैच का रुख बदल सकते हैं। वो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी करने में भी माहिर प्लेयर हैं। भारतीय पिचों पर वो कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन जैसा ऑलराउंडर खोजना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी का ही चेला कहा जाने वाला एक ऐसा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की जगह टीम इंडिया में लेने वाला है जिसे भारत को दूसरा युवराज सिंह भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि शिवम दुबे है, और उन्हें टीम इंडिया में जगह इसलिए दी जाएगी क्योंकि मुंबई के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे का प्रचंड फॉर्म जारी है। रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी में खेले जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुंबई के ऑलराउंडर शिवम ने अपनी तूफानी बैटिंग से टीम की लाज बचा ली। शिवम ने 110 गेंद में दमदार शतक लगाए। शतक की बदौलत ही मुंबई पर पारी से हार का खतरा टल गया। आपको बता दें, शिवम 130 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 7 छक्के और 9 चौके भी लगाए। इस तरह तीसरे दिन के स्टंप तक मुंबई ने 8 विकेट पर 303 रन बनाए और 177 रनों की बढ़त हासिल की। यूपी के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई पर पारी से हार खतरा मंडरा रहा था। मैच में मुंबई की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में यूपी की टीम ने 324 रन कूट दिए और मुंबई पर 126 रनों की बढ़त बना ली थी। वहीं मुंबई जब दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी तो यूपी के गेंदबाजों की जूझती हुई दिखी। एक समय मुंबई ने सिर्फ 86 रन पर अपने 6 विकेट गवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यूपी ने तीसरे दिन ही मैच को जीत लिया, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने अपना जलवा दिखाया और तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए गेंदबाजों की जमकर खबर ली। शिवम के शतक से मुंबई ने यूपी पर अब मजबूत बढ़त ले ली है। उनकी ये पारी इसलिए भी खास है कि शिवम दुबे ने ये पारी तब खेली जब टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 28 रन से करारी हार मिली। इस मैच में भारतीय टीम की मध्यक्रम बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप रही। ऐसे में अब शिवम दुबे को लेकर ये माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा के बाहर होने के बाद वो उनके सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट हैं। शिवम दुबे इन दिनों अपने दमदार फॉर्म में हैं। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भी बैक टू बैक 50 लगाई थी। ऐसे में जडेजा की जगह उन्हें टीम में देना एक सही फैसला साबित हो सकता है, यानी कि दूसरे टेस्ट मैच में शिवम दुबे को अब टेस्ट डेब्यू का भी मौका मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि मैनेजमेंट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जडेजा और शिवम दुबे में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।